हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस दे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अज आप डिस्कस करांगे कि केड़े क्वेश्चन एग्जाम दे विच अपा करके आने ने। एग्जाम दी तैयारी लई 10-12 क्वेश्चन हमेशा मैं दिंदी हुंदी हां, लास्ट ईयर भी मैं दित्ते सी। सो 98% क्वेश्चन इहदे विच्चों आए सीगे। सो अज भी मैं तुहाडे लई बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैके आई हाँ। सो बहुत सारे चैनल मेरा कॉपी कर रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, 20-25, 25-30-30। सो तुसी जिहड़ा हैगा, क्योंकि मतलब माइंड डाइवर्ट करने वाली कोशिश है ना, तो ब्रेन थोड़ा है जो वॉश किया जा रहा है। सो इस करके ध्यान नाल करो कि लास्ट ईयर असी कितों तैयारी की सी, तो इस ईयर असी कितों तैयारी करनी है। सो ये वो ही दोस्तों चैनल में शेयर जरूर कराया करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ही मेरे चैनल के उत्ते काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल आ, वह भी जरूर चैकआउट करो। सो स्टार्ट करते हैं अज का वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है तुहाडा, एक्सप्लेन मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एवरग्रीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी कीमत के उत्ते अपना ये क्वेश्चन दो जड़े पहले ने कदें भी छड़ने नहीं है। बहुत ही ज़्यादा तुहानू क्वेश्चन ये आता है, तो नाले क्वेश्चन जड़ा है किनिया शीट्स से अवे अपने अटैम्प्ट करना है, 4-5 शीट्स जड़िया ने उहदे ते अपने एक लोंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चन ने एक शीट के उत्ते 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्लेन मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, सुभा अते इसके खेत्र के बारे लिखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैकेंड जड़ा है नेचर फीचर्स, नेचर नू ही फीचर्स कहते हैं। द नेचर स्कोप ऑफ कंपैरेटिव मैथड, पहला आप उपर किया तुलनात्मक राजनीति, हूँ इतने है तुलनात्मक विधि का सुभा अते विशा खेत्र बारे लिखो। दोनों क्वेश्चन हमेशा रिपीट होंगे, कोई क्वेश्चन रेगुलर वाले आंदा, कोई क्वेश्चन जोड़ा है डिस्टेंस वाले आंदा, दोनों क्वेश्चन पक्का पेपर चाहते हैं। लास्ट ईयर भी ये दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही मोड्स वाले आए से, मतलब रेगुलर वाले भी तो डिस्टेंस प्राइवेट वाले भी, ठीक है। उस तो बाद क्वेश्चन है तुहाडा थर्ड वन, एक्सप्लेन इंग्लैंड, यानी कि यूके भी आ सकता थोनू लिखा, इंग्लैंड भी थोनू आ सकता लिखा हुआ, एदी पार्लीमेंट अते इसदे फंक्शंस दसने हैं। इंग्लैंड दी यूके दी संसद प्रणाली अते इस दे कारज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है सारे तुहानू जिहड़े मैं दे रही हाँ। नाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश पोलीटिकल ट्रेडिशन, ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा के बारे लिखो। ये जड़े ने एवरग्रीन क्वेश्चन ने, बहुत घट तुहानू क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवावांगी, ये ही जिहड़ा है 97-98% क्वेश्चन पेपर इत्थों ही सैट होएगा। शॉर्ट क्वेश्चन वो किधरों भी पा सकते हैं, लेकिन लोंग क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएंगे, थोड़ा घुमा के पूछेंगे, लेकिन की टर्म देख लियो कि किहड़ा क्वेश्चन सानूं पूछा जा रहा। उस तो बाद फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट कैबिनेट एंड फंक्शंस ऑफ यूके, यूके दी इंग्लैंड दी कैबिनेट अते इसदे कारज एक किद्दां काम करती है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूके दी जिहड़ा हैगा पोलीटिकल ट्रेडिशन हो गया, यूके दा अपना पार्लीमेंट हो गया, यूके दा ही कैबिनेट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर पहले जिहड़े चार रहे हैं मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट ने। नाउ सिक्स वन इज एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसए दा कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज असी भी यूएसए दे कॉन्स्टिट्यूशन नू काफ़ी फॉलो किया, तो यूएसए दे कॉन्स्टिट्यूशन दे फीचर्स यानी कि विशेषतावां की हैं। फिर एक होर क्वेश्चन नाल भी आ सकता है, अलग तो भी आ सकता है, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, तो ये क्वेश्चन नाल भी आ सकता है, तो ये तो अलग होकर भी आ सकता है। अमरीकन संविधान दी विशेषतावां, अमरीकन अधिकार बिलों के उत्ते जड़ा है चानना पाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सैक्शन बी च पहला ही क्वेश्चन ए वाला हुंदा ही हुंदा, ठीक है। उपर वाले जड़े क्वेश्चन है पंच वो सैक्शन ए लई ने, हुण जड़े हैगे ने क्वेश्चन सैक्शन बी दे ने। फिर अगला सैवंथ क्वेश्चन है यूएसए फैडरल सिस्टम नेचर एंड वर्किंग, यूएसए की संघी प्रणाली अते इसका सुभा अते बनतर यानी कारज के बारे लिखो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक होर बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जड़ा हैगा सुप्रीम कोर्ट जड़ी हैगी यूएसए दी वो किद्दां वर्क करती है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाल ही इसदे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ इन यूके, यूके दे विच यानी कि इंग्लैंड दे विच कानूनी राज दे बारे लिखो, एदी सुप्रीम कोर्ट दे बारे लिखना है, यूके दी कानूनी राज दे बारे लिखना है, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन ने, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन ने। नाओ टेंथ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पावर्स इलेक्शन एंड
पोजिशन ऑफ प्रेजीडेंट इन यूएसए, यूएसए के प्रेजीडेंट दे यानी कि राष्ट्रपति दियाँ शक्तियाँ, उसकी चोन किवें की जाती है, उसकी स्थिति हम जिवें अपने राष्ट्रपति की आप करते हैं क्वेश्चन ये वाला कि आप भारत के राष्ट्रपति दक्तियाँ चोन और स्थिति बारे लिखो, सेम एज इट इज़ ही यूएसए का प्रेजीडेंट है, बट थोड़ी जी जी है आप कह सकते डिफरेंस है, ठीक है, सेम टू सेम नहीं है, लेकिन बहुत सारा जोड़ा है सिमिलैरिटीज़ भी हैं डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्रेजीडेंट बारे भारत के पढ़ते आ रहे तो आप यूएसए का भी जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 11th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन यूएसए और यूके, क्वेश्चन किमें भी आ सकता है या तो यूएसए का पूछना चाहे यूके का, लेकिन यूएसए का जोड़ा है ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि प्रेशर ग्रुप जोड़े ने यूएसए किदा कम करते हैं, तो यूके यूएसए दोनों चो पूछ सकते हैं या फिर और पाके पूछ सकते हैं या फिर जो अलग डिफरेंस की है वह भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन रोल ऑफ पार्टी सिस्टम इन यूएसए, यूएसए के पार्टी सिस्टम किदा वर्क करती है, यूके के पार्टी सिस्टम किदा वर्क करती है, दल प्रणाली यूएसए किदा कम करती है, दल प्रणाली यूके किवें कम करती है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। टोटल 13 क्वेश्चन ने, अगर तुम अपनी बुक च देखोगे तो टोटल 40 तो 50 तक क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें 11-12 ही क्वेश्चन हर साल दिंदी हूँ, लास्ट ईयर भी दिते सी, चैकआउट कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर मिला सकते हो मेरे वीडियोज़ में कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेम टू सेम डिटो ही आए हैं। सो होप कर दी हूँ चैनल बहुत वधिया लगता होना, वीडियोज़ भी बहुत वधिया लगते होने, कॉमेंट करके जरूर दस्यो, मिलते हैं नवे वीडियो के नाल, धन्यवाद।